नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्री फेयर। आज हम आरटीएस फ्लावर विजिट किए हैं जो कि 2008 से फ्लावरिंग कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा गुरविंदर सिंह सोही। सर ये कौन सी लोकेशन हुई जगह? ये है विलेज ननवाल, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब, पंजाब। ये आपने फ्लावर यानी आरटीएस फ्लावर्स का कब से शुरुआत किया था? मैंने ये आरटीएस फ्लावर का 2008 में स्टार्ट किया था। फूलों की खेती मैंने 2008 में स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं वो लगाता था, और उसके बाद फिर मैंने फूलों की खेती स्टार्ट की तो मैंने अपनी कंपनी का नाम आरटीएस फ्लावर रखा था उस टाइम। आरटीएस का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है वो मेरे बेटे का नाम है रिपुदमन ठाकर सिंह सोही, तो उसका बहुत बढ़िया है आरटीएस। तो इसमें आपने शुरुआत किस फ्लावर से किया था? मैंने ग्लैडुलस से किया था, जो कट फ्लावर के लिए यूज होता है, जैसे आप शादी वाली गाड़ियों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में उसकी डेकोरेशन होती है कट फ्लावर के लिए, उससे मैंने स्टार्ट किया था ग्लैडुलस से। बेसिकली ये आपके पास कट फ्लावर या लूज फ्लावर भी है? सिर्फ कट फ्लावर? नहीं, कट फ्लावर भी है, लूज फ्लावर भी है, और उसके अलावा हम अभी थोड़े 4-5 साल से पिछले से वो सीड प्रोडक्शन का भी काम कर रहे हैं फूलों के, एनुअल्स का। हाँ, मतलब काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं उसमें भी, करीब 47 वैरायटीज़ हैं हमारे पास एनुअल्स की। अच्छा। और मैरीगोल्ड है, ग्लैडुलस है, उसके अलावा कट फ्लावर में क्रिसैंथेमम लगाते हैं, और अभी एक नया फूल आया है इसराइल से आया है वो रनैनकुलस, उसका भी हम कट फ्लावर और उसका सीड प्रोडक्शन और उसका बल्ब प्रोडक्शन तीनों करते हैं हम उसका। सर वैरायटी कौन कौन सी है आपके पास? मेरे पास ग्लैडुलस में वाइट प्रॉस्पेरिटी है, नोवालक्स, अमेरिकन ब्यूटी, पीटर पियर्स, हंटिंग सॉन्ग, ये 5-6 वैरायटीज़ हैं। कहाँ कहाँ ये सेल होती हैं? ये हमारे लुधियाना, चंडीगढ़ में, पटियाला, और जो हमारे मेन मार्केट वैसे दिल्ली है, हम वहाँ भी बेचते हैं। दिल्ली अदर कंट्री भी जाते हैं? वो हम सारा जो है अदर कंट्री में, हम सीड प्रोडक्शन का काम करते हैं ना, जो एनुअल्स का, वो सारा अदर कंट्री। सीड सेल करते हैं फिर फ्लावर भी सेल करते हैं? हाँ, दोनों करते हैं, बिल्कुल सीड भी। हाँ, बिल्कुल। ये स्टोरेज का क्या आपके पास क्या फैसिलिटी? स्टोरेज का है जैसे कट फ्लावर के लिए, और उसके बल्ब प्रोडक्शन है उसके लिए हमारे यहाँ कोल्ड रूम भी बनाए हुए हमने, उसमें रखते हैं, और जो एनुअल सीड होते हैं वो तो रूम टेम्परेचर पे ही रखे हो जाते हैं, उसके लिए हमारे बड़े शेड बनाए हुए हैं उसमें रखते हैं। इसमें कोई डिजीज़ वगैरह लगते हैं क्या? डिजीज़ हैं सारी वैरायटीज़ में अलग अलग, जैसे ग्लैडुलस में लगते हैं, दूसरी एनुअल्स में तो बहुत कम होते हैं, लेकिन ग्लैडुलस में प्रॉब्लम आती है जब एक ही फसल को हम एक ही खेत में दोबारा दोबारा लगाएं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसका सीड ट्रीटमेंट ना करें फिर आ जाती है। इरीगेशन वगैरह क्या देते हैं? इरिगेशन में हम फ्लड इरिगेशन ही करते हैं, थोड़ा ड्रिप भी लगाया हुआ है, और उसमें हम खाद वगैरह डाल देते हैं, जैसे एनपीके होता है 19-19, उसके ग्रोथ के लिए वो डाल देते हैं, कुछ स्प्रेज कर देते हैं फंगीसाइड, इंसेक्टीसाइड। ये प्लांटेशन वगैरह कैसे करते हैं? प्लांटेशन पहले तो हम मैनुअली करते थे, कभी करीब 3-4 साल से मैंने इसका प्लांटिंग के लिए मशीनें बनाई हैं, प्लांटिंग के लिए ग्लैडुलस प्लांटर बनाया है, ग्लैडुलस डिगर है, अभी उससे करते हैं हम सारा। सर वो स्टोरिंग पैकेजिंग वगैरह सब खुद से होता है? हाँ, यहाँ सारा खुद क्या से। क्या मशीन यूज़ करते हैं इसमें? मशीन उसके लिए क्लीनिंग रेडी के लिए होती हैं, मतलब ग्रेविटी सेपरेटर होता है एक, क्लीनिंग के लिए मशीनें होती हैं, और ब्रशर होता है, और भी 3-4 मशीनें होती हैं अलग अलग सीड्स के लिए। सर पर प्लांट आपको कितना कॉस्ट लग जाता है? ग्लैडुलस का पर प्लांट हमें करीब 2.5 से 3 रुपए का तो पर बल्ब ही होता है एक, और उसके अलावा उसको पूरी फसल के लिए करीब 40,000 के करीब उसके पर एकड़ में खर्चा भी आ जाता है उसको। इनकम कितना होता है? इनकम इसका वेरी करता है, डिपेंड भी उसका रेट क्या है। अच्छा। हाँ, स्वइंग टाइम क्या है इसका ग्लैडुलस का? स्वइंग टाइम इसका होगा नवंबर अक्टूबर, सॉरी सितंबर अक्टूबर। और हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग इसका नवंबर से लेके फरवरी तक, जो पंजाब का सीजन है। क्या किस कितने एरिया में आपने ये किया है? मेरा करीब 22 एकड़ में है अभी यहाँ पर फूलों की खेती। फ्लावरिंग का? फ्लावरिंग का जी। अच्छा, बिल्कुल। अभी क्या लगाया आपने? अभी हमने क्रिसैंथेमम लगाया हुआ है, मैरीगोल्ड है, अभी ग्लैडुलस का प्लांटिंग बस जस्ट 5-7 दिन में स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपने क्या कॉर्म रखा है या फिर ये बर्ड है, ये फ्लावर? ये कॉर्म है इसके, ग्लैडुलस के बड़े बल्ब भी हैं और छोटे पीस मिलते हैं। ये 2.5-3 रुपए का एक बल्ब होता है जी। हाँ, बिल्कुल। एक बल्ब से एक ही प्लांट निकलता है? एक बल्ब से एक ही प्लांट, और एक ही फूल निकलेगा एक प्लांट से। और एक प्लांट में कितने ये कॉर्म निकलते हैं? एक प्लांट में एक ही जो बड़ा बल्ब है एक ही निकलेगा, जो छोटे कॉर्म बल्ब 30-40 निकल जाते हैं एक बल्ब से। अभी तक आपने कितने अर्निंग किया इससे? अर्निंग का तो ऐसे है, कोई हिसाब तो लगाया नहीं है, लेकिन एज एवरेज, एवरेज इसका आप लगा के चलो 4 रुपए पर स्पाइक इसका बिक जाता है, 70-80 हज़ार बल्ब इसका एक एकड़ में हम लगाते हैं जी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।